तुर्क सदर रजब तय्यब उर्दवान ने दावा किया है कि तुर्की के माहरीन मकामी सतह पर ऐसी दवा तैयार करेंगे जिसकी मदद से कोरोना का इलाज मुमकिन होगा। कोविड-19 का इलाज करने वाली दवा रजिस्ट्रेशन के अमल के बाद दस्तयाब होगी। बैनुल अक्वामी मीडिया के मुताबिक रजब तय्यब उर्दवान ने ऐलान किया है कि तुर्की के साइंसी और तिबी माहरीन मकामी सतह पर फेविपिरोला नामी दवा तैयार करेंगे जो कोरोना वायरस के इलाज के लिए वफीद है। उन्होंने बताया है कि यह दवा तुर्की में मकामी सतह पर तैयार की जाएगी, इसके बाद इसका तजुर्बा भी किया जाएगा। रजब तय्यब उर्दवान ने कहा कि कोविड-19 का इलाज करने वाली दवा रजिस्ट्रेशन के अमल के बाद दस्तयाब होगी। तुर्क सदर ने कहा है कि मुल्क भर में होने वाले लॉकडाउन में नरमी की तरफ जा रहे हैं। 15 जून के बाद से शादी हॉल्स की रजिस्ट्रेशन का आगाज होगा और 1 जुलाई से शादी हॉल्स में तकारीब करने की इजाजत होगी। उन्होंने कहा कि हमने बेरोजगारी के खिलाफ एक प्रोग्राम तैयार किया है जिसके तहत अप्रैल से जून में लॉकडाउन की वजह से बेरोजगार होने वालों को मुलाजमतें फराहम की जाएंगी। तुर्क सदर ने मजीद कहा कि लॉकडाउन में नरमी के बाद 65 साल से ज्यादा उम्र के शहरी सुबह 10 से रात 8 बजे तक रोजाना घरों से बाहर निकलने की इजाजत होगी, जबकि 18 साल से कम उम्र बच्चों पर वालिदैन के बगैर निकलने पर पाबंदी आयद होगी।